नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ उसका नाम है लोटे माचर चौचौरी। लोटे माच को हम इंग्लिश में बॉम्बे डक फिश के नाम से भी जाना जाता है ये फिश। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि लोटे माचर चौचौरी हम किस तरीके से बंगाली में बनाया जाता है। तो चलिए पहले हम इस फिश को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए स्टीम में रखेंगे एकदम लो फ्लेम में। जस्ट हमने इसमें ना पानी ऐड किया है, ना नमक ऐड किया है, कुछ ऐड नहीं किया है। जिस फिश को हमने एक फ्राई पैन में दिया है और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे, जिससे कि फिश जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इस उसके बीच से काटा निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए फिश सॉफ्ट हो चुका है और हम हाथों के सहारे कांटे को निकाल लेंगे। जब ये फिश बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी ये प्रोसेस कीजिएगा। अब हम इस फिश को जो है हमने अलग कर लिया है, कांटे जो है वो अलग हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल का लेंगे। मस्टर्ड ऑयल जो है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही है लोटे माचर चौचौरी। तो इस टाइप की रेसिपी जिसमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा तीखापन और बहुत ही स्पाइसी सा एक रेसिपी है, उसमें जो मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की जगह कुछ और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा और अच्छा आता है। तो इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया है और 4 से 5 यहाँ पर मैंने ऑनियन चॉप्ड करके यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। इसमें प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा भून लेंगे। जस्ट 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पोटैटो भी ऐड करेंगे। आलू जो है वो हमने थोड़े बड़े साइज़ में कट करके रखे हैं, जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज़ में आलू जो है वो बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने आलू यहाँ पर कट कर लिए। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आलू जो है जो मैंने पहले से कट करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है हमको। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाए उसके बाद हम इसमें खूब सारा हरे पके लाल मिर्च जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप अपने हिसाब से तीखा ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तीखा मुझे पसंद है तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर जो है मिर्च ऐड किए हैं। तो हम पहले अच्छे तरीके से ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छे तरीके से इसे फ्राई करूँगी। और 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में फ्राई करना है। यह आप देख सकते हो मैंने ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है और रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल किया है। अगर आपको तीखा जो है वो थोड़ा कम खाना है तो रेड चिली पाउडर के जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि इसमें तीखापन थोड़ा कम हो जाए और रेड चिली पाउडर से एक कलर भी बहुत बढ़िया सा आता है। अब हम तीखेपन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है शुगर ऐड करने से। तो अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। करने के बाद हमने जो फिश पहले से कांटे जो हटा के फिश को पहले से रखा हुआ है उस फिश को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसालों के साथ, जिससे कि ये बिल्कुल मसालों के साथ मिक्स हो जाए, उस तरीके से हम इसको चलाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर आप आइकॉन नहीं दबाएंगे तो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन काफ़ी बार नहीं पहुंचता है, इसलिए आइकॉन दबाना ज़रूरी है। और अगर मेरे ये जो रेसिपीज़ है ये आप डिटेल्स में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसको आप मैं ढक के करीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन निकाल के मैं इसमें करीबन 1 टीस्पून गर्म मसाले पाउडर यहाँ पर ऐड करूँगी। करने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, जिससे कि गर्म मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
अब इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए इसे फिर ढक दूंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे फिर से दोबारा 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। बहुत ज़्यादा चलाने की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ढक के इसको पका दीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हो, रोटी, पराठे, चावल, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 5 मिनट और हो चुके हैं, अब मैं इसमें लास्ट फिनिशिंग जो है वो करूँगी, धनिया पत्ते, चॉप किया हुआ धनिया पत्ता मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप बिल्कुल ज़रूर मुझे बताइएगा। और आज के लिए बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।